तनुसान टीवी पब्लिक वॉइस रो दुई नंबर एपिसोड के स्वागत करुछे। मैं श्रीधर बाग। आज हमारे ये पब्लिक वॉइस रो दुई जना नुआ अच्छे दुई जना स्वतंत्र भाव में दुई जना निमंत्रित गेस्ट अच्छे आमर जेन मैंने कि विभिन्न सामाजिक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम मानक जड़ित अच्छन तो आसन पहला मोर राइट साइड रे अच्छन आमर सोनपुर नागरिक मंच सभापति श्रीजुक्त सीतांशु शेखर मिश्र तांको आम स्वागत करुचु। नमस्कार। आमर पब्लिक वॉइस रे दुई नंबर एपिसोड के आउ मोर लेफ्ट साइड रे अच्छन जड़े जुव सामाजिक कर्मी राजीव कुमार नायक तांको भी आमर पब्लिक वॉइस रो ई स्पेशल एपिसोड के आम स्वागत करुचु। गत सप्ताह प्रसंग थिला निर्वाचन समय राजनेता मानकर दलबदल केते मात्रा रे प्रभावित करिवो तो आज आमर से भलिया गोटे वर्तमान आमर देश रे जेंता गोटे साधारण निर्वाचन चली तार माहौल सरगरम अच्छे तो से परिप्रेक्षी आम विशेषकर भोटर मान को सचेतन करावार लगी आम गोटे जन प्रयास चलीचे आउ बर्तमान जन ई सप्ताह प्रसंग टॉपिक रही आमर स्वच्छ एवं निरपेक्ष निर्वाचन बर्तमान केते मात्रे जरूरी अच्छे तो आसन इगे आम सागे जेन अच्छा आलोचक से मानक पक्के जीमा तो बर्तमान आप भावुन श्रीज मिश्र को मोर प्रश्न रहा कण भावचन स्वच्छ स्वच्छ आउ अबाध निर्वाचन प्रक्रिया भोटर मानकर उपरे बा भोट केते मात्रा रे इतार उपरे सचेतन अछन वर्तमान आमर जन भोट प्रक्रिया रे एटा केते मात्रा रे आमर दरकार वर्तमान परिस्थिति रे इतार उपरे आपनकर मत रखबे। देखुन आमर निर्वाचन स्वच्छता आनबार लागि हेले आंकु प्रथम जेंटा आमर भारत रो 140 कोटी जनता रु 85-80 कोटी लोक आमर सामाजिक तार माने स्तर जेनटा बीपीएल स्तर रही होइजन आउ तांको आमे प्रथमे इथिर लागि आंगो शिक्षागत योग्यता शिक्षा आउ इटार आनबाके पड़वा शिक्षित करवाके हवा मुख्य शिक्षित नाइ हेले इतार निराकरण आशा आमर क्षीण शिक्षित आउ जेनटा आमर गरीब जेनटा जनता क्षुदार रहउजन 80 कोटी ये 80 कोटी जनता आमर जो स्वच्छता नाई पाइबे से लोभन बशवर्ती रोचन से प्रथम आमको इटा के भी निराकरण करवार के पड़वा सरकारी स्तर में जदि भी आम उद्यम करू थी इटा आमर हेतक प्रभावशाली नाई रही पार्बार आमको इटा के प्रभावशाली करवाके हेले लोक सचेतन हवाके हेले पहला आमको शिक्षा समस्त शिक्षित करवाके हवा आमर शिक्षित आउ आमर पॉवर्टी आमको जेन खाइबार क्षुदाटा रोचे आम से जी आम नाई करना आम नहीं पार लोहर वशवर्ती होता से आमको प्रथम समस्त शिक्षा और यहाँ जरूरी अटे आमको अबाध निर्वाचन के आनबार लगी अबाध निर्वाचन रोटे मुख्य है आमको शिक्षित आपण जेनटा शिक्षित आपणकर मौलिक आवश्यकता जेनटा क्षुदाटा से दारिद्रता दारिद्रता आम आमको खाई दारिद्रता आपणकर शिक्षाटा खाई जार फल आम सचेतन नहीं पार्बार लोभर वशवर्ती होचु आमको से मैंने आम मौकार फायटा नौचन जेन राजनेता मैंने आमको से लगे आमको विधिवत योजना प्रस्तुत करवाके पड़वा ग्रासरूट रो आमको जेमती शिक्षित करवाके पड़वा आमर जेन 85 कोटी लोक पर 85 कोटी लोक चाउल लगे आम इटा हो लोह दिया हो वर्तमान निर्वाचन परिप्रेक्षी में गुड़ाए आकर्षण योजना तक कर लोह बसवर्ती कर फलव्रत नहीं पार्बार से फलव्रत हबार लगे हेले आपन को आमको ये दारिद्रता आउ शिक्षा ये दुईटा इताके प्राधान्य दबाके पड़वा तो ये दारिद्र्य आ शिक्षा मौलिक आवश्यकता निहाती हे तार दरकार पड़ुचे तो इटा आमर भारत भलिया भारत वर्ष भलिया गोटे विराट भूखंड जेनटा कि बर्तमान 140 कोटी बा 150 कोटी जनसंख्या विशिष्ट गोटे देश जेनटा कि विभिन्न जाति धर्म वर्ण आ दारिद्र्य तो रही है
ତ ଆମର ଏଇ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଏଇଟା ତ ସମ୍ଭବ କେମିତି କରି ହେଇପାରିବା ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ? ମୋର ମତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ। ତ ଜନସାଧାରଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ସମୟରୁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ମନଟେ ଅଛେ ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରବା ଗୋଟେ କଥା, ବୁଝିବାର ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ମନଟେ ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ମା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥାଟେ ତାହାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରିଲା ବୁଝେଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛେ, ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ତାହାକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକେ ନାଇଁ ବଢ଼େଇଦେବାର ବିକାଶରେ ବାଧକ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିମା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା, ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷିତ ଜଣେ ଅଛେ ବୋଲେ ଯେ ସେ ତାର ଭୋଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ତାର ମାନେ ନାଇଁନ। ଶିକ୍ଷିତ ନାଇଁ ଥାଇ କରି ବି ଜଣେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରବା, ଶିକ୍ଷିତ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ଜଣେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରବା, ଏଥିଲାଗି ସଚେତନତା ଦରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ ବୁଝିପାରବାର କଥା। ଆମେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ଦାତା ନିଜର ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେ ବୁଝିପାରିଛେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର? ଦେଖୁନ୍, ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକେ, ରାଜ୍ୟକେ, ସମାଜକେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆମକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମଟା ହେଉଛେ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ କରବାର ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଭୋଟ୍ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଆର୍ ଭୋଟ୍ ଆମେ ଦେବାର କଥା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରବାର କଥା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଯୋଜନା ବି ସରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ, ସେଟାକେ ଆମେ କରବାର କଥା। କାରଣ ଭୋଟ୍ ଏନ୍ତା ଜିନିଷଟେ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ରୁ ବି ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟଟା ବହୁତ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାର କଥା, ଭୋଟ୍ ସମସ୍ତେ ଦେଇଯିବାର କଥା। ସମାଜ ଗଠନ ଲାଗି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ଲାଗି, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଲାଗି ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କିଛି, ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାର କଥା, ବୁଝିପାରବାର କଥା। ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛେ। ଯେନ୍ ପ୍ରାବଧାନ କରୁଛନ୍ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବାର କଥା ବୋଲିକରି, ସେ ଭୋଟ୍ର ଯେନ୍ଟା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ କହିଛେ, ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଲାଗି ସେମାନେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି 500, 700, 1000 ଯାହା ଶୁଣିବାକେ ମିଳୁଛେ ସେଟାକେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛୁ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିପନ୍ନ। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆମେ କହିବାର ଦ୍ୱାରା ରାଜନେତାମାନେ ବି ସେ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜନେତାମାନେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ବୋଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ, ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କିଛି ନାହିଁ ରହିବା, ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନେତାଙ୍କର ଉପରୁ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ତୁଟି ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ କି ନଚେତ ଆମର ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଲେ କରି ଆମର ଗାଁ ହସବା, ଦେଶ ହସବା, ରାଜ୍ୟ ହସବା, ସମାଜ ହସବା। ଆମେ ଭୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟକେ ନିହାତି ଭାବେ ବୁଝିବାରକେ ପଡ଼୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭୋଟ୍ଦାତାକେ। କାହିଁଥିର୍ ଲାଗି ବୋଇଲେ ଚଷା ହୁଡ଼ିଲେ ବର୍ଷେ, ଭୋଟର୍ ହୁଡ଼ିଲେ 5 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା। ତ ଆମେ ଏହାଦେ ଆମର 2 ନମ୍ବର ଆଲୋଚକଙ୍କର ପାଖକେ ଯିମା। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ତାର ପ୍ରତିକାର କାଣା ଆଉ ଏଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ କାଣା, ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ? ଆମର ଯେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ଭୋଟର୍କେ ସଚେତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଇ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ତ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯେନ୍ତା ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା ଭଳିଆ ସେଇଟା ଯାଉଛେ। ତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପହଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମର
कण सब दायी अच्छे इगे ना पहुँची पारे विलम्ब हो मत कण सब प्रतिकार हो पार्बा श्रीयुक्त नायक मुई तो कहमी जे गणतंत्र मूल्यबोध रहा कहचन जे मु शिक्षा अपेक्षा सचेतनतार कथा बेसी कहचे जे आपणकर समय थिला जेते बेले महात्मा गांधी से कहते स्पिरिचुअलिटी इन पॉलिटिक्स तमाने पाप पुण्यर कथा तार भितर रहुतला जे मु गोटे खराब काम कले मोर एटा पाप लगवा मु भल काम कले धर्म हवा किंतु वर्तमान आम से बहुत दूरे जाऊँ आम शिक्षा भितर भी आम से मोराल एजुकेशन अभाव परिलक्षित होचे एवं आम जारके मोराल डिग्रेडेशन एवं इंडियंस बोली कहमी धीरे धीरे आम कमी जाऊे जार द्वारा जेनटा अन्यतम आलोचक कहते जे माने आमको सहजरे अन्य माने प्रलोभित कर दौन तो तेणु सचेतनता रो बहुत आवश्यकता रहीचे जेनतिर लगे कि आम मूल्यबोधटा लोक मान भर के उज्जीवित करमा सेटा के आम ये करमा सेटा के प्राथमिकता देवार अच्छे एवं सेटा जदि हो पारा निहाती भाव में होगा एवं से गोटे स्ट्रंग लीडरशिप दरकार एवं सरकार गोटे गुरु दायित्व रही आपणकर देख गोटे समय जोबले आम निर्वाचन कथा कहचु एवं स्वच्छ एवं निरपेक्ष निर्वाचन कथा जोबले कहचु टीएन सेसन आसले गोटे इलेक्शन कमिशनर तो से गोटे आई कार्ड व्यवस्था कले तो से जेन गोटे आई कार्ड व्यवस्था कले से तार द्वारा बहुत माने प्रभाव पड़ा एवं जेनटा आपणकर मल्टी भोटिंग अनेक भोट जड़े लोक दे दूसरा कि आटा मैंने बंद हो जाता तेणु गोटे स्ट्रंग लीडरशिप रो आवश्यकता रही है सरकार को व्यवस्था भी बहुत दायी आम देख सरकार के दायी समस्ते समस्ते रजिस्ट्रेशन होबार दरकार भोटर लिस्ट ना चढ़वार दरकार भोटर लिस्ट जेन मैंने नाई रहिबार कथा माने गोटे जड़े जन दुईटा तीन टा जगार भी रोचे से सब नाई रहिबार कथा तेणु सरकार को भी गोटे गुरु दायित्व रही है इटा के आम निरपेक्ष बजाय रखबार लगे निरपेक्षता के बजाय रखबार लगे सरकार भोटर गोटे नैतिक मूल्यबोध बा नैतिक विवेकानुमोदित हबार अच्छे जेनटा कि आमर आलोचक कहते जे वर्तमान से वर्तमान समाज दूरे जीवारे दूरे दूरे जीवार परिलक्षित हो भाया आपण उत्तर थिला तो आम परवर्ती आलोचक पाक जमा तो सी जो मिश्र कहे जे आमर इ निर्वाचन प्रक्रिया रे फिर अबाध आ निरपेक्षता आ स्वच्छता आणवार लगे सचेतन भोटर आउटा कि युव भोटर मान भूमिका केते जरूरी केते गुरुत्वपूर्ण रही है निश्चित युव गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है बर्तमान आपणकर जन आम 140 कोटी 97 कोटी होचन भोटर्स हाराहारी 97 कोटी 97 कोटी रो आमर ए भारत रे 66% पाखापाखी 18-29 वर्ष भितर महिला और युववर्ग रही जेनटा कि तमर भोटर मुख्य भूमिका निर्वाह करुचे गोटे अबाध निर्वाचन लगी स्वच्छ अबाध निर्वाचन लगी युव छात्र मानकर भोटा बहुत इटा होती जहाँकि 18-29 वर्ष तक 66% नट एटा पूरा अर्धाधिक आमर जितकी भोटर्स अच्छा भारत रे तांकर अर्धाधिक भोटर्स होती युव भोटर्स आर युव भोटर्स बयस सीमा आमर जिते बड़े कमे दिगला 21-18 कर दिगला 21-18 कर देला 18 वर्ष पिला कमलमती मोर चंचल स्वभाव इमान को प्रलोभित करवाटा एवं अनेक क्षेत्र में प्रलोभित हो जाऊन भाया मन हुए कारण चंचल स्वभाव इमान वर्तमान सरकार इमानकर सचेतन होवार उचित इमान को कॉलेज रे जन पढ़ुचन जो यूनिवर्सिटी रे पढ़ुचन इमान को बुझावार कथा आमर विभिन्न माध्यम रे जे प्रलोभित नहीं हबार कथा प्रलोभित हेले आमर समाज राष्ट्र ठीक भाव गठन नहीं पारे आमर विकास असंभव अटे आमर तमर राष्ट्र सुरक्षित नहीं रही पारे से आपण मैंने कौन सी कथार आपण को पाठ पढ़ला बेले 18
किंबा 29 वर्ष युव बयस जेन मैंने चाकरी बाकरी नुआ नुआ करूचन किंबा पा से प्रलोभित ना हबार कथा ये क्षेत्र में कारण प्रलोभित हबार द्वारा तांकर भोटा ठीक भाव दे नहीं पार मिसयूज ना हबार कथा से मैंने चतुर्दी पाठ पढ़ुन जेहेतु से बुझी पार्बार कथा एवं देशर राज्यर तर जो इंस्टिट्यूशन पढ़ुन इंस्टिट्यूशन समाज एवं तार जो गाँव रु आसी से गाँव विकास केते सहायक होची वर्तमान गणतंत्र शासन रहा आउ जो निर्वाचित प्रतिनिधि तंगो बारंबार पठौचन कि जन प्रतिनिधि को करूँ से कौन फलप्रद हो से सबू आखपाख चतुर्पार्श्व को करी निज भोट दवा आगर निज को आत्मसमीक्षा करार समय वर्तमान सचेतन सत आम स्वाधीनतार सात दंश नहीं गला आम सचेतन करवा कथा लोके सचेतन हबार कथा जनसाधारण सचेतन हवा कथा युवा मैंने सचेतन हबार कथा मूल्यबोध बुझार कथा कारण आमको आम चतुर्पार्श्व केते विकास हो पारी से अनुसार आम आत्मसमीक्षा कर विचारवंत हो समाज जदि विचारवंत समाज होकर विचारवंत भोट दे पारे तो आगामी पीढ़ी आमको अनुकरण करेंगे नचे आमर भोट आमको एमती ये नेता मैंने खटवे ठकी जाए कारण जो दिन आप भोटा सरी जा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाला आम देखा किदिन पुणी से पुणा बाहर बोलिए कौन कौन करते बड़ बड़ होर्डिंग आउ कि विकास शून्य तार भाषण बहुत रोच जार फल से प्रतिहित करवार लगे आम भोट को आम ठीक भाव ठीक जगह दवा कथा ठीक लोक को दवा कथा ताले समाज राष्ट्र एवं आम ठीक भाव आम पारिपार्श्विक परिस्थिति सामाजिक बौद्धिक सामाजिक आर्थिक समृद्धि आम करवा बोलकर आम विश्वास रही भोटर निजी समीक्षा करवा से आप कहवा हिसाब से भोट समय भोट देवार पूर्वर जे से उपयुक्त प्रार्थी के आ गए मैच्योर्ड भोटर हबार कथा जेनटा कि 18 वर्ष जदिओ बयस कमी दि जाइए तथापि भोटर के से चिंता करी आत्मसमीक्षा करी भोट देवार अच्छे आपणकर एटा रहिथिला मत तो सीजित नायक इतर उपर आपणकर मतामत काना रहिछि एतार उपर मोर स्पष्ट मत हला जे सचेतन भोटर मानकर गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछे जे सचेतन भोटर माने निजे सचेतन हेबार संगे संगे से माने अन्य मानकु सचेतन करबार आ करि पारबे से माने तांकर शिक्षागत योग्यता माध्यम रे से माने अन्य मानकु देश गठन कथा कही पारबे जे आमर आमर भोट दानर अधिकार काणा एवं गोटे स्वच्छ एवं निर्मल शासन काणा गोटे कल्याणकारी राष्ट्र काणा तो इतार माने गोटे आपणकर प्रतिनिधि भूमिका काणा ये सब जिनस बुझे पार्बे एवं मोर हिसाब से गाँव रेन जगार आम रोच से जगार जदि आम देखमा जेकोसी व्यक्ति गोटे शिक्षित व्यक्ति ताहके से गोटे लीडर हिसाब से कम करेंगे निहाती भाव में 10-20-50 जन अच्छा से जदि अन्न मान को तारंगे नहींक्र चलला निहाती भाव में परिवर्तन होगा एवं से गणतंत्र गोटे सजग प्रहरी भाया कम करेंगे आपण से भोट दान समय हो कि जितेबले अलग समय भी हो भोट दान पूर्वर भी हो से माने लोक मानको बतई पारे सेता को देखले लोक माने ही सचेतन हो जाए तांकर कथा रे ही किछि रिफ्लेक्ट प्रतिफलित होतिबा निहाती भावरे बोली मोर आशा एवं से माने परिवर्तन रे सहायक हो पारे अन्य दिगरे आम जब देखमा युव समाज को तांको प्रस्तुत करबार आवश्यकता रही विभिन्न प्रकार आम साधारण भाव विभिन्न आपणकर डॉक्टर एस एन सुभाराव भाया जन आम जहाँ भाईजी कहते लिविंग स्पिरिट ऑफ महात्मा गांधी से सारा देश में बुली बुली युवक मान को संगठित करूँ विभिन्न ये कैंप मान करी तो से भली आज विभिन्न अनुष्ठान तरफ कैंप मान कर कलेज एनएसएस अच्छे एनसीसी हिसाब एनसीसी अच्छे तार मध्यम पिला प्रस्तुत करा जाउचे तो युव समाज गोटे एमती गोटे समाज एमती गोटे गोष्ठी जेन मैंने कि से जहाँ कर्म बोलते ताहा करेंगे यंग ब्लड आम कही से लगे तेणु से आम अतीतर देखमा स्वाधीनता संग्रामी मान कथा देखमा जी लक्ष्मण नायक कथा देखमा कि बाजी राउत कथा कहमा तो से बहुत कम बयस बहुत बड़ कथ कर
कि भगत सिंह रो कथा कहिमा तेणु जुव समाज जे भूल रास्त सब जीवा से नाई आम के रास्त आम बड़ मैंने नहीं पार्छ जेन मैंने सचेतन अच्छे से केन्ता रास्त नहीं पार्छ से हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं से थे जदि ट्रैक भितर रेले से बहुत बढ़िया काम करें सरकार गोटे गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही है देख कलेज मानक निर्वाचन होता ओडिशार परिप्रेक्षी में आम देखमा बर्तमान किसी वर्ष है कलेज निर्वाचन होना तेणु कलेज जेन फाउंडेसनटा रहा कथा जेनु से आरंभ करेंगे से जिनसटा के आम गुरु प्राथमिकता देवार कथा कलेज निर्वाचन हेले सेने विभिन्न प्रकार मंत्री से रोचन विभिन्न प्रकार सेक्रेटरी रोचन तो से देश गठन में भूमिका उपलब्ध करें मोर अनुभव जहाँ आम जो एवं स्कूल मानक भी आपंकर कैबिनेट कराई सफेई मंत्री क्रीड़ा मंत्री विभिन्न प्रकार आम पढ़ला बेल के भी सब जिन होता तेणु इटा मैंने फाउंडेसन इटा नहींकर जब आम आगे जामा इतार उपर प्राथमिकता देमा निश्चय भाव में युव समाज तक 18 वर्ष तो किसी नुहे 18 वर्ष हेले भी से ठीक भाव में देवे आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस शिक्षा भितर नगर विज्ञान कथ बहुत कम पढ़ा होटा कि मुई भावसी जे से गोटे पेपर स्वतंत्र भाव में रहा कथा कारण आज जदि आप 100 लोक पचारे 100 जन भितर मत लग्सी पाखापाखि 90-95 लोक राष्ट्रपति केमती निर्वाचित हेसन कही नाई पार तेणु नगर विज्ञान गोटे सब्जेक्ट हिसाब से जब पढ़ा जाता जेहेतु 18 वर्ष हेल्ला समस्ते भोट देते मतलब लगुच भल भाव में समस्ते भोट भी दे पारते दायित्व बुझीपारते नगर विज्ञान कथा निहती भाव टे पार्टली गोटे 10 कि 20 मार्क गोटे इटा हूँ आ 18 वर्ष गोटे गोटे भक्त जदि से केते बेले भी बाट नहीं हुए जदि ताके आम जेनटा आम निर्वाचन थिला कॉलेज मानक स्कूल मानक कैबिनेट अच्छे तो यहाँ गोटे जेनटा कि आमर मौलिक आधार सेटा से व्यवस्था के स्ट्रंग बा मजबूत करवार अच्छे आनटा कि गोटे ग्रामांचल गोटे परिवेश समाज जड़े शिक्षित व्यक्ति निहाती भावे अन्य भोटर मान को असचेतन सचेतन नहीं थोड़ा भोटर मान के से किसी प्रभावित बा किसी दिग्दर्शन दे पार यहाँ आपणकर मत थी आमर आगामी निर्वाचन में अबाध तथा स्वच्छ एवं निरपेक्ष भोट लगी निर्वाचन लगी सचेतनतार आवश्यकता रही इथिरे वर्तमान देखा जाउछे जे आगामी इलेक्शन बा वर्तमान जेंटे कि आरंभ होइ देश रे आमर ओडिसा रे आगामी 20 मे 20 रो आरंभ हवा विशेष करी महिला प्रार्थी मानकु फील्ड को दिया जाइछे जेंटे कि इतार उद्देश्य काणा हे थई पारे आ महिला भोटर मानकर भूमिका इतार उपरे काणा रहि पारे आमे जिमा सीधा आसी त मिश्रण रो पाके महिला भोटर आ महिला प्रार्थी प्रार्थिनी जेंटे कि विगत वर्ष मानक अपेक्षा लेडी कैंडिडेट मानक बेस फिल्ड के दि जाए तो इटा के मात्र ठीक बोली आप भावन आ महिला मान परिप्रेक्षी भूमिका के महिला भोटर मान नहीं देख महिला मान तो भूमिका सब रहा कथा आम छोट कथ देखमा परिवार के ठीक भाव गढ़ी तोलवार छुआटा जिते बड़े जन्म हेसी जन्म हो मार भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे से माँ छुआटा के जदि बड़ कर 18 वर्ष ताके गोटे सुनागरिक कर गढ़ी तोली पारे तापर निर्वाचन रे भी तार भूमिका निश्चय प्राधान्य रही है तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है निश्चय से गुरुदायित्व नहीं पार्बा बोल आम विश्वास रही है आर वर्तमान जेहेतु आमर गोटे बहुत दिन यहाँ थी नारी मान को भी पार्टिसिपेशन करवार लगे जेनटा कि आम गणतंत्र प्रक्रिय जेनटा पार्लियामेंट रे बिल पास हो जाइए 33% से लगी जदि भी से लागू नहीं हुए आईनटा बर्तमान राजनीतिक स्तर में से गोटे आयुध करेडिज मान को आयुध कर निर्वाचन बैतरणी पार हे विभिन्न दल तार जत्न करूँ भाया मन हुए नुहे आम बर्तमान पंचायत स्तर जहाँ देखु थे पंचायत स्तर में भूमिका नचे नगण्य रोचे आम जिते जदि नहीं कहवा ठीक हम ना कारण गोटे नारी पंचायत स्तर में पंचायत स्तर जो निर्वाचन पंचायत स्तर ठीक भाव होनी पुओ हूँ कि स्वामी हूँ तर दबदबा रोचे
किंतु जेतेबेले विधायक किंबा लोकसभा को जिबे विधानसभा लोकसभा से क्षेत्र रे किंतु ता परिलक्षित हेबो नै बोली आशा रहुछि। कारण योग्य प्रार्थी निश्चय जिबे योग्य प्रार्थीनी से नारीर भूमिका भी रही नारीर भूमिका कहीं नारीर भूमिका नथिले आज राष्ट्रपति आमर जणे नारी हिंदे लक्ष्मीबाई अच्छा बहुत इतिहास रे बहुत नारी इटा अच्छे परिवार रो छोट परिवार रो गढ़ी तोलवार रो समाज को गढ़ी तोलवार नारी भूमिका रही है से नारी को प्राधान्य दबार समाज जरूरी थिला जरे समाज उपयुक्त समाज गठन उपयुक्त राष्ट्र गठन पर नारी भूमिका सब वाले रहा कथा ता स्वागत योग्य पदक्षेप। महिला प्रार्थी राजनीतिक मैदान को देवटा गोटे स्वागत योग्य पदक्षेप आते कि देश गठन बा समाज गठन दिगरे निहाती भावे गोटे पर जमी आरंभ होता है नारीर भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही। वर्तमान आम आम जन मुख्य प्रसंग स्वच्छ एवं निरपेक्ष निर्वाचन रे भोटर भूमिका केते जरूरी इतने विभिन्न स्वच्छता एवं निरपेक्षता आनबार लगे गले जिते चेष्टा कले भी किसी भोटर बाट हुड़ी जाऊन शेष मुहूर्त तो विभिन्न प्रलोभन जहाँ कहते मूल श्रीजुक्त मिश्र प्रलोभन वशवर्ती होगी सामान्य किसी आर्थिक सहाय पूरा वशवर्ती होता इतार कि केमती कर बंद कर पार्बा के मात्र जेन ये धाराटा नेता मान जेनटा गोटे बा नेतार गोटे अपचेषा हुए बोल आमर गोटे विश्वास रही है धारणा रही भोटर मानक मिसगैड कर सपक्ष की आने लगे विभिन्न प्रकार मध्यम प्रलोभन हम आर्थिक प्रलोभन देखा जाए किसी जिनसपत्र देखा जाए विभिन्न मध्यम जेनटा कि एवं आमर कि टा पैसार लोभ देखा जा तो निरपेक्षता आ स्वच्छता आनबार लगे भोटर के मानने लालायित भोटर के निजर पक्ष के आनबार लगे गोटे नेतार जेन गोटे अपचेषा हो रोचे धारणा तो इटा के आम कि प्रतिहत किसी बंद कर पार्बा इतार किसी भोटर मान को सचेतन कर गोटे सुस्थ आ गए स्वच्छ गणतंत्र गणतांत्रिक व्यवस्था के गठित हो पार्बा जेनटा के दरकार पड़े श्रीजुक्त नायक देख समाज शिक्षक मान गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षक मैंने आज जिते पर शिक्षक मान तार केन्द्रबिंदु हूँ शिक्षक मैंने जिते जल्दी इटा उप गुरुत्व सहित चिंता करेंगे सेते जल्दी आम हे आम जदि देखमा आपण समाज रे आमर किए हो जनप्रतिनिधि सबुठ लास्ट बेंच अच्छे शेष धाड़ी में बसुवा पिला से जनप्रतिनिधि होचे आग धाड़ी में बसुवा पिला डाक्तर इंजीनियर हो तो आमर जेने चिंताधारा आम पर आणवार दरकार से परिवर्तनटा शिक्षक मानक आरंभ हो मोर मत एवं जिते अधिक मात्रा रे शिक्षित लोक मैंने डेडिकेटेड लोक मैंने जेन माने कि देश गठन रे जेन माने भावुथिबे जे आमर योगदान रहिबा कथा जेन माने सेंता लोक माने जेते अधिक संख्या रे शामिल हेबे सेते जल्दी परिवर्तन हबा एवं निरपेक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन हबा एवं लोक माने वर्तमान गोटे धरी नै छन जे जे आसले भी शासन के से किछि नै करे से तार कथा बुझबा ई जेन मनोभाव रे परिवर्तन के आनी परबा से परिवर्तन एका सेंती लोक माने आनी परबे जेन लोक माने कि आस्थाभाजन हो ना पार्बा वर्तमान आपड़ जी देखिए पांच सतटा वर्गर लोक ही निर्वाचन आसुचन सिने स्टार मैंने निर्वाचन आउचन जार बापा अजा पॉलिटिक्स अच्छा से मैंने आसुचन जार पाखे पैसा अच्छे से मैंने आसुचन तो एंता हो किसी वर्गर लोक ही आसुचन तेणु इतना के आम भांगवार दरकार कैंसी ना कैंसी जगह यहाँ भांगवार दरकार तो आपण तल स्तर जदि यहाँ संगठन करा जनता आप स्वयं सहायक दल गठन करा स्वयं सहायक दल गठन कर रबर स्टाम्प करदे जहाँ के हम गोटे आणिक थे ना हुए संगठित कर सचेतन करवर भितर जार
भल गुण प्रस्फुटित होचे जहाँ लगुचे सेन्ता लोक और शिक्षित लोक जेन मैंने प्रकृत होल हार्टेडली काम करवा चाहूँ से आम खोजिक बाहर करवाचे सेन्ता लोक मानक जिते जल्दी आम सामिल कर पार्मा से जल्दी आम यार फल पाइमा मोर आशा। बर्तमान भारतीय गणतांत्रिक व्यवस्था देखा जाटा कि राजतंत्र आड़े गति कर राजतंत्र व्यवस्था जमी आम परिवारवाद राजनीति बा परिवार गोटे सब तार शासक होता सिंहासन बसला सेन्ता गोटे व्यवस्था कि बर्तमान गणतंत्र मानने गति करवारे जाटा कि शुभ सूचक नुहे से इतार उपरे आपण श्रीयुक्त मिश्र कण कहे बर्तमान जेन गणतांत्रिक व्यवस्था राजतांत्रिक परिवारवाद हिसाब से जाए तो इतार प्रतिकार कण हबार कथा आमर निर्वाचन व्यवस्था किसी आवश्यक परिवर्तन आवश्यकता रही है कि संशोधन आवश्यकता रही है कि कटक रही ना देख आप पीढ़ी पर पीढ़ी किंबा आम जेन परिवार बार कथा उठाऊ खाली कहले ना हुए इतने निर्वाचन आईन में व्यापक संशोधन आवश्यकता रही है व्यापक संशोधन हेले ये आपे आपे दूरीभूत हवा किंबा से परिवार आमर जो परिवारवाद कथा कहते हैं किंबा पीढ़ी पर पीढ़ी दुईटा तीन टा चार्टा जड़े आजीवन लड़ुची सरकारी कर्मचारी टेले रिटायरमेंट गोटे एज अच्छी किंतु आप राजनीति जन मैंने करुच्चन निर्वाचित प्रतिनिधि क्षेत्र ताहा नहीं से भाया किसी प्रावधान नथवर इन पूरा मरवा पर्यंत बाड़ी धरवा पर्यंत चली पार ना आखि दिशुना तो तथा तो लोभ रोच सिंहासन क्षमता लोभ रोच व्यापक संशोधन आवश्यकता रही निर्वाचन आईन व्यापक संशोधन करे प्रतिनिधि हवार लगी एटलिस्ट से ग्रामांचल हूँ पूरा लोकसभा विधानसभा पर्यंत जन को एटलिस्ट टू टाइम्स किंबा थ्री टाइम्स दुई थर कि तीन थर निर्वाचित जदि प्रावधान रहता बाकी कटका रहता से भाया जदि आईन पर करता ताहले आपणकर दुर्नीतिमुक्त समाज गठन हम कहीं पीढ़ी पर पीढ़ी जो मैंने संपत्ति भी ठोल कर अभियोग मान आसा भी देखा ना नुआ लोक आसिले से भल कम भी कर पैसा से निश्चय ठीक भाव निर्वाचन हे ये असाधु उपाय प्रलोभन देखुं युव कि ग्रामांचल कि सहरांचल जो बस्ती अंचल लोक जो प्रभावित करमर प्रभावित 30% लोक आम 30-40% पॉवर्टी लाइन तले मु पूरा से कथा पुणी आसूँ तो 30-40% से मानक प्रलोभित करो से दूरीभूत हे से आचरण आम निर्वाचन आईन में व्यापक संशोधन आवश्यकता है निर्वाचन को स्वच्छ निर्मल एवं ठीक भाव में आम गणतंत्र को स्थापित करवार लगे हेल्ले आचरण आम निर्वाचन आईन में संशोधन आवश्यकता बोल मु भावुँ बर्तमान निर्वाचन व्यवस्था संशोधन आवश्यकता निहाती भाव जरूरी अच्छी जेनटा कि गोटे प्रार्थी गोटे परिवार तो पीढ़ी पर पीढ़ी तर राजनीति के सेने उलौचन जेनटा कि पूरा कब्जारे रही जाऊे जार फल नुआ नेता भी सृष्टि नहीं पार्बार के निहाती भाव दुई रु तीन टा सुजोग रहबार कथा आमर आवश्यक निर्वाचन व्यवस्था तार संशोधन व कटक निहाती भाव रहबार कथा इतार उपर आपणकर सीत नए यहाँ के ठीक हाँ बोली आप भाचन बर्तमान ये आवश्यक संशोधन व कटक जदि रही आमर पर राजनीति जेन भोटर मानक प्रभावित करवर जेन गोटे अपचेषा कर गोटे पर पीढ़ी पर पीढ़ी वर्ष वर्ष धरी राजनीति बासी आसन को कब्जा रखी दीचन जार फल यहाँ के मात्रा ठीक आई बर्तमान जेन किसी आवश्यक पर आईनगत पर कटक जी रोचे यहाँ के मात्रा ठीक बोली आप मोर मतरे तो परिवारवाद राजनीति बोली किछ नाही किंतु भोट्रे आमर जेन निर्वाचन प्रक्रिया रे परिवर्तन दरकार जड़े धरतु विधायक हो दुई थर रु अधिका है ना पार्बा कथा कि जड़े एमपी हो दुई थर रु अधिका ना पार्बा कथा आम जदि देखमा खाली परिवारवाद ना अलग व्यक्ति विशेष भी जेन मैंने थे राजनीति के आसुचन से 20-25 वर्ष 30 वर्ष धरिकी अच्छा समान पदवी में जड़े दुई थर रु अधिका ना हो पार रही पार्बा कथा तो सेटा जदि हैला सेथरे परिवर्तन बहुत आसबा एवं मु परिवारवाद के लगी ना कहबा जे लोक मैंने अल्टीमेटली तांकर नेता निर्धारण करुचन लोक मैंने जदि आम भूल ठीक बाछी पार्ला हाँ टिकेट दौचे पार्टी से गोटे ठीक अच्छे से प्रभावित करुचे कि लोक मैंने अल्टीमेटली बाछुचन एवं जड़े जदि ठीक भाव में कम ना करवा लोक मैंने रिजेक्ट करवा भी हाथ में रही है तेणु जड़े जदि दुई थर
रु अधिका ना होगा से ऑटोमेटिकली से पलै आसपे ये सब तेणु से विशेष भाव में ये ना कि लोक मानक आम जिते अधिका सचेतन करपार्मा जिते अधिका एवं व्यवस्था भितर अनेक पर आवश्यकता रखुचे जेनता कि भोटर आई कार्ड है कि आपणकर जार ना केस रही अपराधी से ठिया ना हो पार्बार कथा है आपणकर गोटे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म गोटे ऑर्गेनाइजेशन जेन मैंने कि विभिन्न संगठन मिसिकर काम करुचन जे ये परिवर्तन आनबार लगे एवं परिवर्तन आसुचे भी आज इलेक्ट्रोल बॉन्ड रो कथा जेन आसीचे से ट्रांसपेरेंसी आसुचे तो ट्रांसपेरेंसी आसवा किए कहा के केते पैसा देला आपण गोटे थरे पाओ क्षमता गोटे एंता जिनस थरे जदि क्षमता के जने पळे आसला ताके हराबाडा डिफिकल्ट हो जाउचे तो ई जन जिनसटा आसुचे से भल काम करुचे बा सेटा के मार्केटिंग करुचे एटा एटा करिचा बोली करी कहू लोक माने जानि ना परबा जे केनटा भल हिचे कि से करिचे कि ना करि तो ई जिनसटा तेणु आम जड़े अधिका थर अधिका लोक भी सामिल हो पारे अधिका लोक निर्वाचित हो पारे तेणु गणतंत्र प्रक्रिया आहरी मजबूत हवा भल आम कथा उभय आलोचक कहले निहाती भाव गोटे कटक गोटे प्रार्थी गोटे विधायक गोटे सांसद हबार हो दुई थर रु अधिका नहीं हबार कथा जार फल कि प्रार्थी जी पर नुआ नेता भी सृष्टि हो पार्बा आमर जेन अबाध निरपेक्ष निर्वाचन प्रक्रिया रे जेन किटा आमर जेन रही अपचेषा कर भोट के हाथ भी धाराटा भी प्रतिहत हो पार्बा यहाँ आमर बर्तमान आम कनक्लूजन के आसुचु जो प्रार्थी निहाती भाव जोड़े प्रार्थी एकाधिक हे तो दुई थर तीन थर ताको सुजोग नहीं देवार कथा यहाँ गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था निर्वाचन आमर जेन रही कमिशन जरिया गोटे रोक व कटकड़ा रहा कथा जार फल कि समाज रू भी विभिन्न लोकों भी नेतृत्व नुआ नेतृत्व सृष्टि हो पार्बा यहाँ बर्तमान आम निहाती भाव एक स्वीकार करमा आज आलोचना आम जेन थी स्वच्छ एवं निरपेक्ष निर्वाचन प्रक्रिय भोटर भूमिका केते जरूरी निहाती भाव गोटे भोटर भूमिकार आवश्यकता गोटे भोटर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है जन भोटर तार मूल्यबोध भोटर मूल्यबोध के भैल्यू के बुझार अच्छे आवि चिंती भोट देवार अच्छे आम कहूलु आगुरी जे जे भोटर जदि आम हड़ला भोटर जदि किसी भूल कला पाँच वर्षटे से गोटे नहीं जावा से कथा निजे पाँच वर्ष टाइम भोट आम भूलटे करुचु कि गोटे चषा जमी तार गड़बड़ा बर्षे लगे आर वर्ष तार चाष कम से हूँ आवश्यक सचेतन परिवर्तन बा आनी पारे कि गोटे भोटर जदि भूल कला भोटर हिसाब से गोटे सरकार गठन करुच देश चलावर लगे तो से निहाती भाव तार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है गोटे भोटर अबाध आ स्वच्छ निर्वाचन में गोटे भोटर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है। धन्यवाद आज आलोचन आप दुज जाक श्रीजुक्त मिश्र और श्रीजुक्त नायक आसी तर बहुमूल्य मत देकर आमर तनुसान टीर भयस पीपुल भयस कार्यक्रम में जोगद आपण को बहुत बहुत तनुसान टी पर बहुत बहुत धन्यवाद यार सहित आज आम बर्तमान कार्यक्रम को वाइंड अप कर समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ थे।